अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दरवेश खान चैनल बैंड द ट्रुथ लंदन साउथ हॉल यूके से आज हम अपना एपिसोड करने जा रहे हैं फूड व्लॉग का। तो हम स्टार्ट कर, सामने भी आप देख रहे हैं नवाब कलेक्शन शॉप्स हैं, हवेली के नाम से भी रेस्टोरेंट, बर्गर शेक। तो ये एक नज़र आ रहा है पूर्णिमा रेस्टोरेंट, यहाँ हमने रास्ता किया था, कॉफ़ी रोमाना लिखा हुआ था। देखता हूँ पूर्णिमा शायद खुला हुआ नहीं हुआ, वहाँ पर हम नाश्ता करेंगे। बहुत ज़बरदस्त इंडियन आंटी होती हैं, उन्होंने बहुत ही मतलब बेहतरीन किस्म का नाश्ता कराया था ऐसे 10 साल पहले, 2012 में तक नहीं जाता। देखते हैं ये खुला हुआ या नहीं खुला हुआ, लग तो है। देखिए जी साउथ हॉल ट्रैवल, बड़ी मशहूर ट्रैवलिंग कंपनी है लंदन की साउथ हॉल ट्रैवल। पूर्णिमा नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है बेड लक हमारी। देखिए जी मेहंदी केक्स, वेडिंग केक्स, बर्थडे केक्स, केक शॉप। ये सामने आइसलैंड है, नज़ारा कॉलिंग। यहाँ पे कहीं देसी नाश्ता मिलेगा सामने? अच्छा थैंक यू। चीनी चोर, अच्छा चीनी चोर या सरदार जी ने बताया था, मैंने सही आ गया नाम देखे चीनी चोर। देखे कैसे बांध बांध के इन्होंने डिफरेंट नाम रखे हुए कस्टमर्स को अट्रैक्शन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। प्योर वेजिटेरियन, अच्छा हाँ जी यहाँ नाश्ता लग रहा है मुझे। ये देखें जी सारा यहाँ बैठ जाते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि इसका इशू क्या है इसका। लेकिन मसला ये है कि जी इंसान सेहत का मैंने पहले आया था हेल्थ एंड सेफ्टी और इंसान सेहत, ये दो ऐसे इश्यूज़ हैं यूके के अंदर कि जिसमें खास तौर पर ख्याल रखा जाता है नॉर्मल लेवल पर, जो कुछ आवाम को खिलाया जा रहा है वो बिल्कुल इंसान है सेहत के असूलों के मुताबिक हाइजीन हो, ठीक है इंग्लिश में ही समझिए आप। इस वजह से आप जहाँ भी खाने पीने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको किस तरह की जो मैंने दिखाया है फूड एलर्जी को, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट एलर्जी होती है फूड के अंदर, हमारे यहाँ तो लक्कड़ पत्थर सब आता है लेकिन यहाँ डिफरेंट मामला है थोड़ा यूके में। और तो ख्याल रखा जाता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ ना खाए जो आपके एलर्जी उससे काम यहाँ से पनीर टिक्का सिज़लर्स चाट है, फिर डिफरेंट टाइप की भेल पूरी दही बड़ा समोसा एंड पकौड़ा। इतना बड़ा मेन्यू है कि मुझे कोई भी नहीं आ रहा समझ क्या नहीं। आलू पूरी, चना भटूरा, चना पूरी, हलवा पूरी, पाव भाजी और पता नहीं क्या क्या, चाइनीज़ डिशेज नहीं पता नहीं सब कर रहे हैं, दाल मखनी करी पराठे देख लें बल्कि कितने टाइप के, अजवाइन पराठा, आलू पराठा, चिली धनिया पराठा, फ्रेश आलू एलमंड पराठा, पराठे खा खा के हम परौंठा ही बन जाएंगे पंजाबी में। पीछे का दिया साइड इंडियन चटनी भी है, साउथ इंडियन ब्रेड एंड तंदूरी नान, बटर नान। ये है कि मैं जो भी यही मुनासिब है कि हलवा पूरी जो कि देसी नाश्ते वो कर लिया जाए, चना पूरी, हलवा पूरी, पनीर टिक्का, पराठा में जो है एक आलू पराठा ले लेंगे, अच्छा गोभी पराठा भी एक आलू लेंगे, जिनसे फ्रेश आलू एलमंड चिली धनिया पराठा, काला चना, मसाला मशरूम। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट लग रहा है तो मेरा से ये हिंदी थोड़ी बहुत समझते हैं साउथ इंडियन लोग, हिंदी या उर्दू जो भी समझते हैं। मसाला पराठा, फ्राइड राइस, चटनी,
साउथ इंडियन, ये बादाम बर्फी, बालूशाही, बेसन आपने, जैसे जी थोड़ा बड़ा ये देखिए जी पूरी है, ये चना कर तरकारी जो भी कहते हैं सूजी का हुआ है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया 6-6.5 pound 8 pound का दे रही हैं, और मैनचेस्टर में ये इतना कम प्राइस में मिल जाता है क्योंकि मैंने बताया एज कम्पेयर टू लंदन महंगा है मैनचेस्टर के और दूसरे सिटीज के। तो बहरहाल खाना तो है, नाश्ता तो करना है, आलू पराठा भी आ गया है तो ऑर्डर देखे मैं 4 पीस के साथ। चलिए मैं नाश्ता स्टार्ट करूँ, बहुत भूख लग रही है डाइट किस्म की। जल्दी से पहले पूरी जो है काफ़ी थिक है लेकिन जायका अच्छा है, और तरकारी जो है उसका जायका अच्छा है। सॉस का मुझे अभी तक पता नहीं है इडली सॉस है या कौन सा है। Once I finish the all breakfast, then we'll talk to the latter. वहीं का आलू पराठा भी बड़ा मज़े का, पूरा नाश्ता ही ऑलमोस्ट मज़े का था। आलू पूरी चना आलू पराठा वेजिटेबल समोसा बहुत मज़ा आया, लेकिन हम पूरा ख़त्म भी नहीं कर सका। एक्सटेंसिव ट्रैवल से थोड़ा मैं सही तरह से अपने टैबलेट्स नहीं ले पा रहा डायबिटीज की, कभी कभी मुझे चक्कर भी आते फील हो रहे हैं, इससे पहले कहीं मैं गिर जाऊँ टैबलेट में खा लूँ। तो इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि ड्यूरिंग द ट्रैवल लॉग बनाना खुद बनाना इज नॉट ईजी गेम, तो भी ऑल ओवर यूके अगर आप एक दूसरे दूसरी ट्रेन जा रहे हैं गिरते हैं शायद सवारी मैदानी जगह में, जब यहाँ इस फील्ड में आ रहे हैं तो फिर पीछे गए। अच्छा जी पहले टैबलेट ले लो अपनी मेटफॉर्मिन, जो लोग डायबिटिक पेशेंट देख रहे हैं तो अपनी सेहत का खास तौर पर लगे, मेरी तरह नहीं कभी भूला कभी याद किया, वो कहते हैं ना उनके देखे से आ जाती है नेपाल वाले में जो कहें उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बट गाली के बाद दुनिया के हर मसाइल और हर चीज़ों का जो है ना पश्चेप हो जाता है, लोग हल्का रहते हैं गाली को, बहुत बड़ी गलती करते हैं। आईवी इनकी बड़ी अच्छी है, ब्लड शुगर की भी बड़ा मज़ा दे रही है, डायबिटिक तो मैं नहीं लेता, डाला हुआ है उन्होंने चाय के मसाला टाइप कौन सा मसाला वाला ला लो इलायची या दालचीनी तो नहीं, इलायची चाय
हाँ तो जी, ये अब हम जैसे यहाँ से ख़त्म करेंगे तकरीबन जो 11:15 बज रहे हैं दिन के। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि यहाँ पे दिन पता ही नहीं चलता क्या, हालांकि दिन कुछ लंबी गर्मियों में बड़े लंबे होते हैं यहाँ पे यूके में। तो अभी तो खैर जून जुलाई में तकरीबन 9:45-10 बजे तक जाके जब मगरिब होती है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। ऊपर स्कॉटलैंड में तो और पर टाइम सनसेट और लेट हो जाए, दुकान आ रही है तो उन्होंने नाश्ता बड़ा मजेगा था। सर मैं क्या बात कर रहा था, दिन लंबे होते हैं उनके अंदर गर्मियों के अंदर, सर्दियों में उल्टा मामला रहा था उसके बरस और दिन छोटे रहते हैं 8-7, 6-7 घंटे। कुछ लोग अंधेरे मुँह अंधेरे जब जॉब पर निकलते हैं सुबह 8 बजे, जब शाम में वो जॉब से वापस आ रहे होते हैं सुबह अंधेरा ही हो रहा होता है, तो संदेह लगाने किस तरह की लाइफ होती होगी जब अंधेरे में जा रहे हैं और अंधेरे में वापस जॉब पे घर वापस आ रहे हैं। सर्दियों गर्मियों में भी लंबे दिन होते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि जो दिन आप सुबह 7 बजे भी अगर निकलना है ना, दिन आपका कहाँ जाएगा लंदन में स्पेशली, पूरे ऑल ओवर यूके लेकिन लंदन में खास तौर पर आपका, तो आप एक काम करने निकले और वो काम भी हो जाए तो बहुत खुशकिस्मत हो गया। पता नहीं क्या मतलब कि हर चीज़ यहाँ पर ऑनलाइन ही है तकरीबन, जब आए तो सब भी ऑनलाइन थी, तो टाइम ज़ाया करने के बाद फिर अगर आप कोई काम खुद करने जा रहे हो अगर एक काम उठा के भी आ गए तो खुशकिस्मत हो गया होगा। ये भी बड़ा एक ड्रॉबैक है लंदन का, देखा जाए बहुत कंजस्टेड सिटी है, 1 करोड़ के करीब आबादी है, इतने लोग आ गए, छोटा सा सिटी तो है लेकिन मतलब कराची से भी छोटा ही है, और कराची की तकरीबन 3 करोड़ कह रहे हैं लगभग आप पॉपुलेशन, यहाँ पे 1 करोड़ है तकरीबन, उससे भी शायद कम ही है उसका जो एरिया है स्क्वायर वाइज, जो भी अभी मेरे पास है नहीं फिगर उन्होंने दिए तक। जैसे हमें चाय ख़त्म करते हैं तो उसके बाद आगे निकलते हैं ताकि क्योंकि काफ़ी टाइम ले लिया नाश्ता करने, तो भाई हमारे तो दो ही शौक हैं, अच्छा खाना और ज़्यादा खाना, उसी पॉलिसी अमल पे आ रहा है। चलें जी।